Hello, welcome. This is 180 News and I am Akash. The Indian women cricket team has done the impossible. They have reached the finals of the ICC Women's World Cup 2017, where they will be clashing on with England. And we went out to the people and asked what they think about the Indian women team making it to the finals and to send their best wishes to Mithali Raj and company. हमारी जोड़ी जोरों से कम है क्या? मैं ये चाहता हूँ कि जो अपने देश की महिलाएं हैं वो अच्छे से धूल चटाएं, बस यही कहना है। जैसे कि उन्होंने परफॉर्मेंस में किया है कि जैसे ऑस्ट्रेलिया को हराया है। मुझे सबसे ज़्यादा उम्मीदें हरमनप्रीत कौर से हैं जो अभी बिल्कुल फॉर्म में है। हरमनप्रीत कौर के बारे में आप और क्या कहना चाहते हैं? और कुछ नहीं चाहते हैं, बस देश का ही कल्चर है, महिलाओं को दबाया जाता है। हाँ जी, हाँ, ये गलत बात है कि महिलाओं को दबाया जाता है। आजकल महिलाएं देश को लीड कर रही हैं, आजकल महिलाएं हर क्षेत्र में जा रही हैं, आर्मी के क्षेत्र में जा रही हैं, खेल के क्षेत्र में भी जा रही हैं, हर चीज़ में जा रही हैं। हाँ, तो ये होना चाहिए, महिलाओं को दबाना नहीं चाहिए, महिलाओं को और सपोर्ट करके आगे बढ़ाना चाहिए। मुझे तो पूरा विश्वास है कि इंडिया टीम जीतेगी। जैसी परफॉर्मेंस अभी तक उन्होंने दी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ और दूसरी टीमों के खिलाफ, उस हिसाब से तो लगता है कि हाँ, इंडिया ही जीतेगी इंग्लैंड की। कौन सी खिलाड़ी बेहतर प्रदर्शन करेगी? अभी तक तो ये कह नहीं सकते। वैसे तो हर एक मैच में प्लेयर सही चेंज करता है, लेकिन हरमनप्रीत जैसा अभी पहले दिखाते हुए चली आई है हर एक मैच में, तो अभी उसी हिसाब से सोच सकते हैं कि मिताली राज या हरमनप्रीत कौर में से एक सही से चली। महिलाओं के लिए एक काफ़ी बड़ा मैसेज दिया हरमनप्रीत कौर ने, जो हाउस वाइफ होती है या फिर जिनको घर से प्रेशर होता है कि पढ़ने का, अब वो स्पोर्ट्स पर निकल के काफ़ी नाम कमा रही है। महिलाओं के लिए तो हरमनप्रीत ने बहुत अच्छा मैसेज दिया कि वैसे घर में होता लोग पढ़ाई के लिए नहीं आने देते हैं, लेकिन हरमनप्रीत ने सिर्फ क्रिकेट से सिर्फ छक्के मार के टीम को नहीं जिताया, बाकी जितनी रूढ़िबद्ध धारणाएं थी उन्हें तोड़ के आगे बढ़ी हैं वो। भारतीय टीम ने, महिला टीम ने जो प्रदर्शन किया वो काफ़ी अच्छा था। जैसे कि उनने नाबाद 157 आई थिंक रन बनाए, तो बहुत वो उनका ऐसा प्रदर्शन कंटिन्यू रहा तो काफ़ी अच्छा रहेगा। हमें होप है कि वो शायद इंग्लैंड को भी इसी तरीके से परास्त करेंगे। हम कहना चाहते हैं हमारी टीम आगे जाए, देश का नाम रोशन करे, जिससे आज की जनता से महिला क्रिकेट टीम में रुचि नहीं है उनकी रुचि बढ़े, वो भी देखें। हमारी छोरियां किसी से कम नहीं। आप क्या कहना चाहेंगे? मैच है, परसों मैच है भारत और इंग्लैंड का। हम कहना चाहते हैं कि भारत हमेशा आगे बढ़ता रहे और लड़कियों को जो कम समझते हैं वो कभी कम ना समझे और वो हमेशा आगे बढ़ती रहेगी। जीतेगी, हमारी छोरियाँ किसी से कम नहीं। उनको भी आगे करना चाहिए, जैसे फेसबुक वगैरह पे ट्रॉल वगैरह चल रहा है कि उनको कोई प्रमोट नहीं कर रहा, उनके लिए भी मतलब न्यूज़ वगैरह में दिखाना चाहिए कि वो सब कर रहे हैं। तो इसलिए मैं कहूँगा दिल्ली सरकार को भी, गवर्नमेंट को भी इस चीज़ में इंडिया वुमेंस टीम के लिए भी आगे कुछ करना चाहिए। इट वुड बी हेल्पफुल फॉर दैम, क्योंकि जैसे अगर इंडियन क्रिकेट टीम को इतना वो फेमस कर रहे हैं तो मेंस टीम को, तो वुमेंस टीम को भी करो, वो भी आगे जा सकती है। महिला टीम फाइनल के लिए पहुँचा है या जीत के आए, बस यही दुआ करूँगा, हमेशा अच्छा खेले, अच्छा पहुँचे, अच्छा कप जीत के लाए, बस यही हम लोगों की दुआ है, आगे दुआ और करता रहेंगे। तो देश की महिलाएं अच्छा काम कर रही हैं तो उनके लिए अच्छा काम मिलेगा ना, अच्छे सब लोग छावासी कहेंगे, कोई भी अच्छा काम करेगा उसके लिए सबके लिए अच्छा ही बोला जाएगा जी। फाइनल का मैच इंग्लैंड से क्या लगता है, कैसा मैच होगा, भारत जीत पाएगा? क्योंकि काफ़ी भारत जीतेगा, बिल्कुल जीतेगा भाई। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा अपनी इंडियन क्रिकेट टीम को, ठीक है ना, जो उन्होंने सेमीफाइनल जीत के फाइनल में प्रवेश किया है। फाइनल में हमारी शुभकामनाएं इंडिया के साथ हैं और इंडिया ही जीतेगी। देश की महिलाएं नाम रोशन कर रही हैं, पुरुषों ने भी बहुत नाम रोशन किया, पर अब महिलाओं का वक्त आ गया है। क्या कहना चाहेंगे देश की महिलाओं के लिए? देश की महिलाएं पहले से ही नाम रोशन करती आई हैं, लेकिन अब तो देश की महिलाएं पुरुषों से भी ऊपर चल के नाम रोशन कर रही हैं, और हमारी तो शुभकामनाएं हैं देश की महिलाओं के साथ भी, टीम के साथ हैं। हमने रात ही मैच देखा था, बट रात जब मैच शुरू हुआ था तब तो लो स्कोरिंग लग रहा था, लेकिन हरमनप्रीत कौर ने ऐसी कंगारू महिलाओं की धज्जियाँ उड़ाई गई, वो तूफान में उड़ के चले गए। ऑस्ट्रेलिया के साथ अच्छा खेली है, सेमीफाइनल जीता है, कोई छोटी बात है नहीं वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल जीतना, तो हम तो चाहते हैं कि फाइनल भी जीत कर आए। जो मेंस की टीम नहीं कर पाई अभी, वो वुमेंस की टीम करे और इंडिया का नाम रोशन करे, दैट्स व्हाट वी वांट। मैच डेफिनेटली हमारी टीम जीतेगी, अगर वुमेन सारी हैंड नो दे हैव दी पावर टू विन, वो जीत के दिखाएंगे, क्योंकि जैसे अब मेंस की टीम नहीं जीती तो वुमेन्स टीम जो जीतेगी, बेस्ट ऑफ लक टू देम। तो हम यही कहना चाहूँगे कि महिला क्रिकेट टीम है आगे बढ़नी चाहिए, अच्छी बात है,
मतलब ये काफ़ी स्कोर बीट कर गई है और मेरा कहना तो यही है कि इंग्लैंड से टक्कर है, क्या लगता है मैच जीत पाएगी? मे भी जीत पाए क्योंकि क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है। इंग्लैंड को हराना है, इंग्लैंड भी काफ़ी मजबूत टीम है। नहीं, पिछले रिकॉर्ड के हिसाब से तो इंडिया की टीम काफ़ी बेहतर, इंडियन वुमेंस टीम बहुत बेहतर गई है। होप्स हो कि चले इस बार भी, और मैं तो कोशिश करूंगा कि हाँ टूर्नामेंट जो है वो जीते इस बार इंडिया की टीम। इंग्लैंड की टीम काफ़ी हद तक मजबूत है क्योंकि वहाँ पे उनको बैक सपोर्ट बहुत ज़्यादा मिलता है, हमारी इंडियन वुमेंस टीम को इतना नहीं मिलता है बैक सपोर्ट जितना मिलना चाहिए। अब आप देख सकते हैं कि रूरल डेवलपमेंट कितना हो चुका है और कितना नहीं हुआ है, अर्बन एरिया अर्बन हो गया और रूरल जो गांव देहात है वो गांव देहात ही रह गया और कुछ हुआ नहीं उनका। जैसे कि मेरे दोस्त ने भी बताया कि उनको टीम मौका नहीं मिलता है, कोई चूल्हा चौका में तो है, बस चूल्हे चौके में ही है और कुछ नहीं है उनका। वो फाइनल मैच में पहुंच गई है भारतीय टीम, इतनी दिक्कत होने के बावजूद महिलाओं के साथ देश में, क्या जीत लग रही है, संभव है? क्यों नहीं है, बिल्कुल है, कैसे नहीं हो सकती आप बताइए। जब फाइनल तक पहुंच गई, पहले तो सेमीफाइनल क्वार्टर फाइनल ही क्रॉस करना उनके लिए मुश्किल था, अब उनकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी हो चुकी है कि हाँ वो खेल खेल के अब आगे हो चुके हैं, तो जाहिर सी बात है कि अब जीत लेगी, कोई डाउट नहीं है। ये है कि हमारा अगर सपोर्ट है तो जाहिर सी बात है उनका भी उनकी भी विल पावर बढ़ेगी, उनका भी मनोबल बढ़ेगा, हौसला बढ़ेगा, तो वो भी अपनी पूरा बेस्ट देने की कोशिश करेंगी। बात ही है जी, बहुत मज़ा आया देख करके, आई वॉज द मैच स्टार्ट टू एंड, बहुत अच्छा खेले, जिस तरह से हरमनप्रीत कौर ने खेला 171 रन की इनिंग, वो थी मेमोरेबल थी। उससे ये पता चल गया है कि हम कहते थे कि लाइक गर्ल्स नहीं कर सकती हैं ये गर्ल्स, मुझे उस टाइम तक बिलीव नहीं था कि लड़कियां भी छक्के मार सकते हैं बड़े बड़े, जब मैंने उसको खेलते हुए देखा तो मुझे पता चला दैट देर इज़ नथिंग इम्पॉसिबल फॉर द गर्ल्स, और बहुत मज़ा आया देखने में। लग नहीं रहा था कि इतना स्कोर पहुँच जाएगा 281। जो भी कमेंटर थे क्या नाम था आकाश चोपड़ा, तो कह रहे थे 205 तक हो सकता है, फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि 280 तक हो सकता है, जिस तरह से उन्होंने कहा वो अचीव करा लड़कियों ने, ठीक है। जिस तरह से ऑस्ट्रेलियन बॉलर की पिटाई करी, 6 times वर्ल्ड चैंपियन रह चुकी है और बहुत अच्छा खेले। So you heard what the people have to say about the Indian cricket team making it to the finals of the Women's World Cup 2017. And it will be not an easy task for the women in blue to clinch the coveted trophy. But they have beaten England earlier in the league games. So it is a devil that they have faced earlier and it won't be that much of a difficult task. We at One India also wish women in blue best of luck for the match against England in the finals. Well, that's all for now, but for more news and updates, log on to oneindia.com and please don't forget to like and share this video. Also, don't forget to subscribe to One India News YouTube channel.